अच्छा, अब ये बात आती है कि मान लेते हैं हार्ट अटैक हो चुका है, ना हो क्या करना चाहिए, वो सब हमने अभी तक समझा दिया है हमारे सीरीज में। आज सातवां पार्ट है, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ इंस्टेंट जिस वक्त हार्ट अटैक हो उस वक्त क्या करना पड़ेगा। हार्ट अटैक होगा, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब आपने सुना हुआ है, पर जिस वक्त हार्ट अटैक हो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। छाती में दर्द हो रही है, काफ़ी अंतर्नल दर्द हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, वॉमिटिंग की टेंडेंसी हो रही है, इस हाथ में फैल रही है, बैठे बैठे सांस फूल रहा है, तो लग रहा है हार्ट अटैक है। अब आपको ये समझ आ गया हुआ के अंदर कि 100% ब्लॉकेज हो चुकी है, तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, मैं बोलता हूँ देखो उस वक्त जो 100 हो गया है उस एरिया को एक ही ट्रीटमेंट उस वक्त सबसे बढ़िया है कि जो क्लॉट बन चुकी है उसको गला सकते हो तो सबसे बढ़िया है। तो क्लॉट गलाएगा कौन? हॉस्पिटल गलाएगा। हॉस्पिटल में पहुँचना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल, तो ये हम लोग बोलते हैं। पर आदमी बोलता है सर हॉस्पिटल पहुंचने में तो टाइम लग जाएगी, मैं गाड़ी बुलाऊंगा, गाड़ी में बैठूंगा और हो सकता है थोड़ा बहुत तैयारी भी करने लग जाए तो मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगा, फिर लाइन लगेगी, फिर इमरजेंसी में जाऊंगा, वो लोग ट्रीटमेंट करेंगे, पर उसके बीच में क्या करना है ये बताइए। बीच में क्या करना चाहिए उसके लिए मैंने देखा कि क्या हो सकता है, तो एक इमरजेंसी पिल सिस्टम है उसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें तीन तरह की दवाई आपको दिख रहा है, दो इसमें इकोस्प्रीन की गोली है, दो इकोस्प्रीन की गोली है और एक क्लोपिडोग्रेल की गोली है। क्लोपिडोग्रेल एक ऐसी दवाई है जो ब्लड को पतला करता है, तो क्लोपिडोग्रेल की दो गोलियां लेनी है और टोटल 150 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल लेना है, 325 मिलीग्राम डिस्प्रीन लेना है और एक एटोर्वोस्टैटिन 80 मिलीग्राम लेना है। तो इस बात को याद रखिएगा, दो क्लोपिडोग्रेल की गोली, एक डिस्प्रीन की गोली और ये 80 मिलीग्राम एटोर्वोस्टैटिन, ये तीन दवाई आप अपने पास इमरजेंसी किट के हिसाब से रख सकते हैं और इसमें ज़रूर एक्सपायरी डेट लिख दीजिए। ये दवाइयाँ मैंने बोलने के बाद हमारे बहुत सारे पेशेंट अपने पास रखते हैं और अपने लिए ना ज़रूरत हो कोई के लिए ज़रूरत हो तो ये तीन दवाइयाँ उस वक्त इंस्टेंट दिया जा सकता है, इनको चबा के लिया जा सकता है वो बेस्ट होगा और संग संग पानी पी लीजिए चबा के। तो इससे क्या होगा, ब्लड को इतना पतला कर दिया जाए क्या मालूम वो क्लॉट ही निकल जाए। और एटोर्वोस्टैटिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई है, उसको भी इंस्टेंट ले लेना चाहिए उस वक्त। कितना काम करेगा किसी को नहीं मालूम, पर कुछ चांसेस हैं कि आपका हार्ट अटैक का थोड़ा रेंज कम हो जाए, क्लॉट गल जाए तो कुछ बच जाए आप। तो उस वक्त जब तक आप हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये तीन दवाई आप जरूर लीजिए। इसको बोलते हैं ड्रग ट्रायो, ये एक है एटोर्वोस्टैटिन 80 मिलीग्राम, डिस्प्रीन 325 मिलीग्राम और क्लोपिडोग्रेल 150 मिलीग्राम वाली दो या 75 के चार, ये आप ले सकते हैं और इनसे आपका उस वक्त आपको मदद मिल सकती है। और इनमें से कोई भी दवाई ब्लड प्रेशर कम नहीं करता है इसलिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप कोशिश करिए, सॉर्बिट्रेट लेते हैं बहुत सारे लोग जीभ के नीचे, पर याद रखिए सॉर्बिट्रेट का एक प्रॉब्लम है कि अगर ऑलरेडी बीपी कम है तो और ज़्यादा बीपी कम कर देता है, इसलिए सॉर्बिट्रेट तभी लें जब ब्लड प्रेशर हाई हो। तो अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है, आपको लग रहा है मेरे को हार्ट अटैक है, बीपी चेक करिए, अगर बीपी हाई है या नॉर्मल है तब सॉर्बिट्रेट ले सकते हैं, पर सॉर्बिट्रेट से ज़्यादा इन दोनों तीनों का काम है। और आप हॉस्पिटल पहुँचिए और जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट करिए। अगर वो आदमी बेहोश है तो कोशिश करिए उनको CPR देने का, पर CPR बहुत आदमी को आता नहीं है, इसको बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसर्सिटेशन, उस वक्त उसके ऊपर बैठ के मुंह का सांस देना, छाती को करना, उसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, पर उसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना है। और सावल की तो अलग थियरी है कि भाई हार्ट अटैक हो ही नहीं उसी का बंदोबस्त कर लो, तो हार्ट अटैक ना हो उसकी बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है, इस बात को याद रखिएगा। सावल ने कैंपेन किया है कि हार्ट अटैक होना ही नहीं चाहिए और उसका नाम है NIFA, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ हार्ट अटैक। अगर आप हार्ट अटैक होने ही नहीं देंगे तो इस तरह की नौबत कभी नहीं आएगी, ना वो आदमी मरने का चांस है, तो इस बात को याद रखिएगा। इंस्टेंट क्या करना है उस बात को याद रखिए। और आगे मैं आपको बताऊंगा हॉस्पिटल वाले क्या करने पड़े, हॉस्पिटल पहुंच गए तो वो लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और आगे ये भी बताएंगे हम सावल में क्या ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। और एक बात और आपको बताऊंगा इस सीरीज़ के एंड में कि जो हार्ट अटैक हो गया, हार्ट का एक हिस्सा डैमेज्ड या डेड हो गया, उसको रिकवर किया जा सकता है क्या और कैसे रिकवर किया जा सकता है। तो आप हमारे संग जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और ये सीरीज़ का एक भी वीडियो मिस नहीं करिए। 10 का सीरीज़ है और 10 को आपको सुनना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।